गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे एल नीनो एंड सी बर्ड्स रीडिंग पैसेज और ये न्यू पैसेज है देखो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन हैं वो हैं वन टू फोर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड रेस्ट फाइव टू थर्टीन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू साइंटिस्ट वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट नीनो फिनोमिना एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ साइंटिस्ट क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे नीनो को पहले पैराग्राफ में उसके उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या गिवन हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टू लर्न द पैटर्न ऑफ द क्रिएचर दैट लिव इन द मैरिन एनवायरमेंट उन मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएचर्स रहते हैं उनके पैटर्न को लर्न करने के लिए सेकेंड है असिस्ट अस टू मैप आउट बिकॉज इट डिस्टर्ब नॉर्मल साइकिल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन मैप को असिस्ट करने के लिए क्योंकि यह डिस्टर्ब करता है किसको नॉर्मल साइकिल फॉर वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन को सी गिवन है इट हैज प्रोफाउंड थ्योरी फॉर बोथ एकेडमिक साइड एंड प्रैक्टिकल साइड प्रोफाउंड थ्योरी थी किसके लिए दोनों अकेडमिक्स के लिए और प्रैक्टिकल साइड दोनों के लिए फोर्थ ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन इज वेयर एल्नो अफेक्ट मोस्ट ट्रोपिकल एलिनो से क्या होता था अफेक्ट होता था ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन इज कहाँ था वेयर जहाँ पर एलिनो अफेक्ट होता था अधिकतर तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं उसके अंदर ढूंढते ये आंसर कहाँ पे है फर्स्ट है रिदम ऑफ द सीज़न कैन नॉट ऑलवेज बी रिलाइड अपॉन हम सीजन के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं हो सकते एट द टाइम्स ऑफ ट्रॉपिकल फेसिफिक ओशन एंड लार्ज एक्सपेंसिज ऑफ द ग्लोबल एटमॉस्फेयर सीम्स टू बी मार्चिंग टू बीट ए डिफरेंट ड्रमर डिस्टर्बिंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ काउंटलेस पीसीज ऑफ प्लानट एंड एनिमल अलोंग विद हंड्रेड ऑफ मिलियन ऑफ ह्यूमन बींग देखो यहाँ पे गिवन है डिसरप्टिंग डिस्टरपटिंग मीन्स द नॉर्मल पैटर्न ऑफ काउंटलेस स्पीस अधिकतर नॉर्मल जो पैटर्न था इसका वो अधिकतर स्पीसीस को प्लानट के ऊपर डिस्टर्ब करता था और एनिमल्स को विद हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग और उसके साथ साथ लाखों लोगों को भी ये क्या करता था अफेक्ट करता था तो हमारा पहला आंसर तो यहीं से मिल गया ठीक है देखिए इस लाइन में इसका आंसर है ठीक है कौन से क्वेश्चन का फर्स्ट का तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या बनेगा बी असिस्ट अस टू मैप यह हमें असिस्ट करता था बताता था क्रिएचर्स के लिए जो नॉर्मल साइकिल को और वाइल्ड लाइफ को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं ठीक है सेकंड क्वेश्चन है वाई डू साइंटिस्ट यूज सी बर्ड्स एज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वेन ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड वाइडली साइंटिस्ट सी बर्ड्स को इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों कंसिडर करते थे जब वो क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व करते थे देखते थे ए ऑप्शन है सी बर्ड अफेक्ट अस अफेक्ट बाई प्रे चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड आइस सी बर्ड अफेक्ट होता था किससे टेम्परेचर के और आइस के चेंज होने से सेकेंड इट साइज़ इज लार्ज इनफ टू बी ऑब्जर्व इसका साइज बहुत बड़ा होता है ऑब्जर्व करने के लिए सी एलिनो अफेक्ट सी बर्ड मोर दैन अदर सी ऑफ क्रिएचर एलिनो सी बर्ड को ज़्यादा अफेक्ट करता था कि इसके कम्पेरिजन में अदर सी क्रिएचर्स के कम्पेरिजन में डी नॉर्थ अमेरिका इज सिचुएटेड इन द ए एरिया वेयर एलिनो अफेक्ट मोस्ट नॉर्थ अमेरिका वहाँ पर है जहाँ पर एलिनो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं तो अब देखते हैं सी बर्ड्स वाला क्वेश्चन क्या पे है तो ए पैसेज में तो पढ़ लिया हमने ये तो अब बी पढ़ते हैं बी पैसेज में क्या गिवन है सी बर्ड आर प्रोमिनेंट एंड हाईली विजिबल कॉम्पोनेंट ऑफ मेरीन इकोसिस्टम दैट विल बी अफेक्टेड बाय ग्लोबल क्लाइमेट चेंज सी बर्ड सबसे ज़्यादा विजिबल कॉम्पोनेंट है किसका मैरीन इकोसिस्टम का जो कि ग्लोबल क्लाइमेट जो कि टेम्परेचर से ज़्यादा फैक्ट होते हैं द बेरिंग सी रीज़न इज प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट टू सी बर्ड पॉपुलेशन देर इज़ आर लार्जर एंड मोर डाइवर्स देन इन एनी सिमिलर रीजन इन नॉर्थ अमेरिका ओवर नाइंटी परसेंट ऑफ द सी बर्ड ब्रीडिंग इज इन द कॉन्टीनेंटल यू एस आर फाउंड इन दिस रीजन नाइन्टी परसेंट सी बर्ड इसी एरिया में पाए जाते हैं सी बर्ड सो नेम्ड बिकॉज दे आर स्पेंड एट लीस्ट एट्टी परसेंट ऑफ देर लाइफ इन द सी इनका नाम सी बर्ड क्यों है क्योंकि ये अस्सी परसेंट लाइफ कहाँ जीते हैं समुंद्र के अंदर आ, इसलिए ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं मेरीन रिसोर्स फॉर फूड आगे गिवन है एज प्रे अवेलेबिलिटी चेंज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट ड्राइवन फैक्टर सच अर्फेस सी टेम्परेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द आइस सो पॉपुलेशन ऑफ द सी वर्ल्ड अफेक्टेड तो प्रे किसके ऊपर अवेलेबल होते हैं क्लाइमेट के ऊपर क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से और आइस के चेंज होने से उनकी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट होता है तो यहाँ पे इसका आंसर है लास्ट लाइन में ठीक है और कौन, कौन सा ऑप्शन बनेगा देखिए हमने आ, इसका ऑप्शन तो फर्स्ट ही बनेगा सी बॉड अफेक्टेड बाय प्रेजेंस अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड आइस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू मैरीन मैमल दैट लिव इन टगी डेक आइलैंड इन गल्फ ऑफ अलास्का मैरीन मेमल के साथ क्या हुआ था जब वो टगिक आइलैंड के अंदर रह रहे थे ए ऑप्शन है नंबर ऑफ सील्स डिक्लाइंड अबाउट एट्टी परसेंट एटी फाइव फ्रॉम द मिड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी नंबर ऑफ सील्स डिक्रीज हो गए थे कितने एट्टी फाइव परसेंट कब से मिड ट्वेंटी सेंचुरी से बी नंबर ऑफ स्टेलर सी लाइन डिक्लाइंड वाइल नंबर ऑफ सील ग्रू जो स्टेलर सील आए थे वो तो डिक्रीज हुए थे जबकि सील क्या हुए थे इंक्रीज हुए थे सी बर्थ रेट एंड ब्रीडिंग फीमेल डिक्लाइंड ऑन टग्गीक आइलैंड बर्थ रेट और ब्रीडिंग फीमेल की वैल्यू क्या हुई थी दोनों दोनों डिक्रीज हुए थे कहाँ पर टग्गी आइलैंड में फोर्थ है द सिचुएशन ऑफ मैमल्स ऑन द आइलैंड इज नोट दैट वर्स देन वी एक्सपेक्टेड जो मैमल्स की सिचुएशन थी उस आइलैंड के पर इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी जितना कि हम सोचते हैं जितने एक्सपेक्ट की गई थी तो देखिए हमें देखना है टगिक आइलैंड ये कौन से पैसेज में गिवन है ये वर्ल्ड से ही आंसर मिलेगा पर ए सी में देखते हैं क्योंकि हमने ए और बी तो रीड कर लिया सी में टगिक आइलैंड गिवन है या नहीं है टगिक आइलैंड सी में नहीं है ना ही डी में है ई में गिवन है ई में क्या गिवन है हैव मैमल सिमिलर साइन ऑफ फूड स्ट्रेस इन रिसेंट ईयर मैम मैरीन मैमल भी सिमिलर साइन फूड स्ट्रेस के जो सिमिलर साइंस हैं वो एग्जिबिट कर रहे हैं आ, अब के टाइम में हार्बर सी एट टगी डेक आइलैंड इन द गुल्फ ऑफ लास्का डिसक्लाइंट बाई एटी फाइव परसेंट बिटवीन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स टू नाइनटीन एट क्या था इसमें हर्बर सील डिक्रीज़ हुए हैं कितने एट्टी फाइव परसेंट किसके बीच में नाइनटीन सेवेंटी सिक्स टू नाइनटीन एट्टी एट स्टेलर सी लायन पॉपुलेशन डिक्लाइंट बाय थर्टी सिक्स परसेंट इन द गुल्फ ऑफ अलास्का बिटवीन नाइन्टी सेवन टू नाइनटीन ऐटी फाइव स्टेलर सी की पॉपुलेशन भी डिक्रीज हुई है कितने परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट नाइनटीन सेवेंटी सेवन टू नाइनटीन ऐटी फाइव एंड बाई अनदर फिफ्टी नाइन परसेंट बिटवीन एटी फाइव एंड नॉर्दन फॉर सील डिक्लाइंट बाई थर्टी फाइव परसेंट इन नाइनटी एटी सिक्स एंड एवरेज नंबर इन नाइन्टीन फ्रॉम द एवरेज नंबर इन द नाइनटीन सेवेंटी ओल द नंबर हैव रिबाउंड समवर्ट बाई ट्वेंटी परसेंट इन नाइनटीन नाइन्टी नॉर्दन फॉर सील भी डिक्रीज हुई थी कितना थर्टी फाइव परसेंट लेकिन उसके बाद वो दोबारा से इंक्रीज हो गई कितने ट्वेंटी परसेंट कब नाइनटीन नाइन्टी में एसोसिएट विद डिक्लाइन इन स्टेलर सी लाइन आर डिक्लाइन इन बर्थ रेट बर्थ रेट में डिक्रीज हुए हैं फ्यूर ब्रीडिंग फीमेल ब्रीडिंग फीमेल भी डिक्रीज हुई हैं फ्यूअर पप्स डिक्रीज अडल्ट बॉडी कंडीशन डिक्रीज जूए सर्वाइवल जूए होते हैं बच्चे बच्चों के सर्वाइवल में भी एंड ए चेंज इन द पॉपुलेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर और किस में चेंज हुआ है पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है तो यहाँ से दो चीज़ें आ रही है हमारे पास पहले देखो इसकी लास्ट लाइन में से यहाँ से इसका आंसर निकल के आ रहा है ठीक है और इसका आंसर क्या किस है ये किसका आंसर है ये है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का ठीक है थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है देखो फर्स्ट है नंबर ऑफ स्टेल्स ऑप्शंस क्या क्या हैं इसके नंबर ऑफ सेल्स डिक्लाइंड बाई एट्टी फाइव परसेंट सेल्स डिक्रीज हुई थी हुई थी लेकिन मिड सेंट ट्वेंटी सेंचुरी में नहीं हुई थी उसके बाद हुई थी बी नंबर ऑफ सी लाइन डिक्लाइंड ये नहीं दे रखा सी लाइन डिक्लाइन हुए थे बर्थ रेट एंड ब्रीडिंग फीमेल डिक्लाइंड ये दोनों चीज डिक्लाइन हुई थी तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा सी ठीक है ये दोनों चीज लास्ट लाइन में गिवन है फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास अकॉर्डिंग टू जे वालकर टू द मॉनसून सीजन नोटेबली जे वालकर के अकॉर्डिंग मॉनसून सीजन में क्या हुआ था ए ऑप्शन है फ्लड एंड रोड सीरियसली डैमेज ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑफ द प्लान फ्लड और ड्रोट फ्लड तो बाढ़ होती ड्रोट होता सूखा सीरियसली चेंज डैमेज इनकी वजह से सीरियसली डैमेज हुआ था सारी चीज सारे प्लेनेट के ऊपर हर जगह बी ए वोकर प्रोडिक्शन वुड सून कंट्री वोकर की जो प्रोडिक्शन थी वो सही होने वाली है सी है ड्रोट ओनली अफेक्ट सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका ड्रोट ने सूखे ने केवल के अफ्रीका के कुछ पार्ट्स को इफेक्ट किया था डी ऑप्शन है ड्रोट विल अफेक्ट समवेयर ऑफ द अर्थ सच ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया ड्रोट ने आ, कुछ हिस्सों को अफेक्ट किया था अर्थ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया तो हमें देखना है जे वोलकर साइंटिस्ट का नाम तो देखो अभी हमारा ये पैसेज ई में निक निकला था तो उससे आगे एफ देख लेते हैं एफ़ के पहली लाइन में ही वो कर दे रखा है वोकर नोटिस दैट मॉनसून सीजन विद लो इंडेक्स कंडीशन आर ओफन मार्क्ड बाय ड्रोट इन ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पहली लाइन में ही गिवन है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ वाला ठीक है इसे पहली लाइन में ही गिवन है कि उसने नोटिस किया था लो इंडेक्स कंडीशन और मार्क कर दिया था कि कहाँ पर ड्रोट कहाँ कहाँ अफेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में और इंडिया में और कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में ठीक है तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर बन जाएगा ठीक ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उससे आगे हम रीड करते हैं टू थर्टी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है तो ये आई थिंक सीक्वेंस वाइज ही मिलेंगे सारे फर्स्ट क्वेश्चन है सी बर्ड आर रिगार्डेड एज प्रीसियस इंडिकेटर ऑफ चेंज इन द ओशन एनवायरमेंट सी बर्ड को प्रीसियस इंडिकेटर कहा गया है किसके लिए ओशन एनवायरमेंट में चेंज के लिए मीन्स यही बताते हैं कि टेम्परेचर चेंज उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है सी बर्ड्स तो देखो बीच में हमने दो पैसे छोड़े थे ठीक है तो पहले चलते हैं सी पे क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही सी बर्ड गिवन है देखो आ, सी की लास्ट लाइन में क्या गिवन है फर्दर मोर द रिच नॉलेज बेस्ड दैट सी बर्ड्स मेक देम ए वैल्यूएबल रिसोर्स एज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मरीन एनवायरमेंट गिवन है ना कि इसके रिच नॉलेज किसकी सी बर्ड्स की क्या बताती है एक वैल्यूएबल रिसोर्स है किस चीज़ का इंडिकेटर स्पीसीस का फॉर द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन मेरीन एन्वायरमेंट किस मैरिन एनवायरनमेंट में जो चेंज हुए हैं उसको मेज़र करने का इंडिकेटर कौन करती हैं सी बर्ड्स तो इसका आंसर हमें मिल गया फर्दर मोर से आगे इस लाइन में यहाँ पे है ठीक है तो ये हमारा किसका आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी बर्ड्स सच एज फलमर्स एंड म्यूरस फीड बाय द करेक्टिटी ऑफ प्रे इन डिफरेंट वे जो सी बर्ड्स हैं जैसे फलमर्स एंड म्यूरेज ये दोनों जो फीड करते हैं प्रे को वो डिफरेंट वे में करती हैं मीन्स दोनों के खाने का तरीका अलग अलग है तो देखो अभी हम देखते हैं दो हमें सीबर्ड्स में नाम देखने हैं कहाँ है तो ये नाम डी पैसेज में देखो डी में क्या गिवन है मोस्ट अबंडेंट ब्रीडिंग स्पीसीज इन अलास्का आर नॉर्दर्न फॉलमर्स स्ट्रोम पेट्रल्स कीटिविक्स ममर्स ओक्टलेट एंड पॉफिन्स ये सारी ब्रीडिंग स्पीसीज हैं दी स्पीसीज आल्सो फ्रॉम द लार्जेस्ट कॉलोनीज, फलमर्स स्ट्रोम पेट्रल्स एंड कीटिविक्स आर सरफेस फीडर्स उनमें से जो स्पीसीज है सारी उसमें से फलमर्स स्टोम पेट्रल एंड कीटिविक ये तो सरफेस फीडर हैं पिकिंग देयर प्रे फ्रॉम द सर्फेस ये सर्फेस से पिक करती है मीन्स पानी की जो सतह होती है ना वहाँ से न, करती हैं और जस्ट बिलो द सरफेस या उसके सरफेस के जस्ट बिलो से नीचे से मरमर्स ओकलेट्स एंड पफिन्स डाइव फॉर द देर फूड बल्कि जो मरमर्स ओकलेट और पफिन्स हैं वो डाइव करते मीन्स नीचे जाते हैं डाइव करते हैं तैरती है अपने भोजन के लिए तो दोनों के दोनों क्या करते हैं डिफरेंट वे में ही रीड कर खाते हैं ना तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया किसका सिक्स क्वेश्चन का तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा एक मिनट सॉरी सॉरी ये तो एक मिनट ये हो जाएगा हमारा सिक्स क्वेश्चन उससे आगे सेवन्थ रीड करते हैं सेवन्थ क्या है सिक्स भी क्या है हमारा फर्स्ट ट्रू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन सेवेंथ है हमारे पास स्टेलर सी लाइन ओनली डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड फ्यूअर पप्स बट होल पॉपुलेशन विड नोट बी अफेक्टेड बाय द चेंज सी लाइन तो डिक्रीज हुए हैं बर्थ रेट में और कुछ पप्स भी डिक्रीज हुए हैं लेकिन सारे के सारे पॉपुलेशन पे इस पर इससे कोई अफेक्ट नहीं हुआ ठीक है तो अब देखते हैं सेवेंथ कहाँ मिलता है देखो जो ऊपर पढ़ा अभी तक हमने उसमें तो था नहीं उससे आगे देखते हैं हमने स्टेलर सी लाइंस देखो यहां पर गिवन है ई की लास्ट लाइन में जो हमने पहले थर्ड के लिए पढ़ा था वहीं पर एसोसिएट विद द डिक्लाइन इन स्टेलर सी लाइन आर डिक्लाइन इन बर्थ रेट फ्यूअर ब्रीडिंग फीमेल्स फ्यूअर पप ला, स्टेलर लाइन भी डिक्रीज हुए हैं पप्स भी डिक्रीज अडल्ट बॉडी कंडीशन डिक्रीज जूए नाइल सर्वाइवल एंड चेंज इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर तो पॉपुलेशन जो भी थी उनका एज स्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ है और वहाँ पर क्या कहा है कि लेकिन और उस किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये चीज़ क्या कर जाएगी कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो आंसर क्या बन जाएगा फॉल्स क्योंकि इसमें तो कहा है ना कि पॉपुलेशन के ऊपर तो टोटल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन इसमें कहा है कि उनके एज स्ट्रक्चर पर चेंज पड़ा है तो एज स्ट्रक्चर पर पड़ा है तो पॉपुलेशन पर पड़ा है ठीक है तो यहाँ पर क्या आएगा तो वो दोनों के दोनों इफेक्ट हुए हैं उसके बाद ये क्या बन जाएगा फॉल्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उससे आगे हमारे पास एर्थ क्वेश्चन एर्थ क्या है विद रिप्लाई ऑफ वोकर कलीग्स नॉलेज ऑफ विंड पैटर्न विल बी हेल्पफुल जब वोकरस ने अपने कलीग्स को रिप्लाई दिया कलीग्स होते हैं जो आपके पास साथ जॉब करते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं कलीग्स नॉलेज ऑफ विंड पैटर्न विल बी हेल्पफुल विंड पैटर्न हवा का जो पैटर्न है वो हेल्पफुल था किसके लिए जब उन्होंने वॉकर ने वो करने उस चीज का रिप्लाई दिया तो अभी वॉकर का रिप्लाई वॉकर तो हमने पढ़ा था, था ना एफ पैसेज में तो इसका एफ में ही आंसर होना चाहिए एफ की स्टार्टिंग लाइन में वॉकर गिवन था तो देखो एफ के लास्ट की थर्ड लाइन में क्या दे रखा है इन हिज रिप्लाई वॉकर प्रेडिक्टेड करेक्टली दैट एन एक्सप्लेनेशन नेशन वुड बी फोर्थ कमिंग बट इट वुड रिक्वायर ए नॉलेज ऑफ विंड पैटर्न अबो ग्राउंड लेवल विच वर नोट रूटीनली बींग ऑब्जर्व एट दैट टाइम उसके लिए हवा के पैटर्न की ग्राउंड लेवल से नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी लेकिन जो कि रूटीन वाइज ऑब्जर्व नहीं की गई ठीक है और उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन uh, में गीवन है कि वो विंड नॉलेज थी विंड की नॉलेज हेल्पफुल थी लेकिन यहाँ पे कहा है कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए थी ग्राउंड लेवल से लेकिन उस टाइम ऑब्जर्व नहीं की गई तो यहाँ पर ये यह आंसर क्या बन जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इन हिज रिप्लाई ठीक है ये हमारा किसका आंसर बन जाएगा एट्थ क्वेश्चन का ठीक है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना ये आप इजली देख सकते हो इसको उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन तो ये भी हमारे पास इसमें एक मिनट इसको मार्क कर देती ये भी क्या होगा फोर्स नाइन्थ क्वेश्चन है इट इज़ डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट ई आई नीनो फो ऑर्थिनोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एवेलेबल स्टैटिस्टिक्स एंड इंस्पेक्शन यह एलिनो के लिए इट इज डिफिकल्ट टू इन्वेस्टिगेट एलिनो एलिना को इन्वेस्टिगेट करना डिफ़िकल्ट था किसके लिए ऑर्थोनोलॉजिस्ट एंड इकोलॉजिस्ट ऑर्थोनोलॉजिस्ट कोई मतलब बायो से रिलेटेड वर्ड है इसका मीनिंग मुझे नहीं पता लेकिन इकोलॉजिस्ट होते हैं जो एनवायरनमेंट को देख के बताते हैं क्योंकि वो उन्हों उनके लिए डिफिकल्ट क्यों था ये क्योंकि उनके पास स्टैटिस्टिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी मीन जो डाटा गिवन नहीं था उनसे रिलेटेड इसलिए उनको बताना में डिफिकल्टी थी ठीक है तो अब हम देखेंगे एल नीनो अभी हमने ऊपर तक पढ़ लिए जी पैसेज में ढूँढते इसको क्या है द नीड फॉर लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज इट सीम्स ओबियस दैट विदाउट गुड बेस लाइन डाटा ऑर्थियोलॉजिस्ट आर डूम्ड टू बी सरप्राइज बाय द अराइवल ऑफ़ एल नीनो एवरी फ्यू ईयर्स देखो डाटा कह रखा ना लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज नी, नी मीन्स लंबे टाइम सीरीज़ की ज़रूरत थी जो कि स्टैटिस्टिक्स का वर्ल्ड है टाइम सीरीज ठीक है तो उसके लिए बिना किसी बेस लाइन के और अच्छे डाटा के लिए ऑर्थोनोलॉजिस्ट के लिए यह है, बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता तो, सरप्राइजिंग है उनके लिए एल्नो का इतने जल्दी आना एवरी फ्यू ईयर्स कुछ ही सालों बाद ठीक है इवन वेन ऑर्थोलॉजिस्ट एंड एककोलॉजिस्ट आर एट हैंड टू टेक एडवांटेज ऑफ ए इनकमिंग एनो लैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डाटा ऑफ मोनिटरिंग आफ्टर वर्ड्स मेक्स इट डिफिकल्ट क्या रखा है ना उन्हें लैक ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डाटा उनके पास डाटा की कमी थी मोनिटरिंग आफ्टर वर्ड उसके बाद मोनिटर करना उस चीज़ को क्या बना रहा था डिफिकल्ट बना रहा था तो ये स्टेटमेंट गिवन है तो ये आंसर हमारा क्या बन जाएगा ट्रू ठीक है जी की थर्ड लाइन में इसका आंसर है ओके okay. ये है था हमारा नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्या होगा ट्रू उसके बाद हमारा आता है टेंथ क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन क्या है हैबिट ऑफ सी बर्ड इन अलास्का इज सिमिलर टू द नॉर्दर्न हेमिसफेयर अभी तक जो हमने पढ़ा ये स्टेटमेंट कहीं पर गिवन नहीं है फिर तो भी आगे रीड करते हैं देखते हैं मिलेगी या नहीं नेक्स्ट भी रीड कर लेते हैं इलेवंथ भी नंबर ऑफ शेयर वाटर इन साउदर्न हेमिसफेयर फीड मोस्ट ऑफ द ड्यूरिंग समर वो समर के टाइम ही साउदर्न हेमिसफेयर में जो रहती हैं शेयर वाटर्स वो केवल समर में ही फीड करती हैं देखो लॉजिकल कोई चीज़ है वो केवल एक सर गर्मी में तो खाएगी नहीं सर्दियों में भी खाएगी ना आई थिंक ये स्टेटमेंट या तो फॉल्स होनी चाहिए गिवन नहीं मिलनी चाहिए तो हमने नाइन्थ पे हैं नाइन्थ से आगे रीड कर लेते हैं क्या गिवन है नाइन्थ जहाँ पे मिला था ना उससे आगे दस बाय हैवली कंसनट्रेटिंग अटेंशन ऑन ओनली ट्वेल्व परसेंट ऑफ द टाइम स्पेंड एलिन ऑफ नेगलेक्टिंग पॉसिबली अन अदर टेंट और इग्नोरिंग वट है ड्यूरिंग सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ टाइम द सिचुएशन में भी रिमायडेड ओनली एज लॉन्ग एज डाटा आर लॉन्ड ऑन ए रेगुलर कॉन्टीन्यूस बेसिस दैट इज लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है अगर डाटा को कॉन्टीन्यूसली रेगुलर बेसिस पर नोट किया जाए और एक टाइम सीरीज बनाई जाए रिसिपी प्रिस बाई स्केबलर टू अंडरस्टैंड एलिनो इफेक्ट ऑन द बर्ड्स एंड स्टिल उस बर्ड्स के ऊपर इसका इफेक्ट अभी भी पेंडिंग है कैरी आउट लॉन्ग टर्म स्टडीज विल शेड फर्दर लाइट ऑन इंट्रैक्शन बिटवीन ग्लोबल एटमोस्फिरफिनोम यहाँ पे तो गिवन नहीं है एच रीड करते हैं एच में क्या है पॉपुलेशन ऑफ सी बर्ड इन अलास्का आर लार्जर एंड मोर डाइवर्स दैन एनी अदर सिमिलर रिलीजन इन नॉर्दर्न हेमिसफीर उसने कहा पॉपुलेशन ऑफ सी बर्ड्स सी बर्ड्स की पॉपुलेशन लार्जर है कहाँ पर अलास्का में किसके कंपैरिजन में नॉर्दर्न हेमिसफेयर के कंपैरिजन में द एक्सटेंसिव कोस्टल सेंचुरीज एंड ऑफ वाटर ऑफ अलास्का प्रोवाइड ब्रीडिंग फीडिंग एंड माइग्रेटिंग हैबिट ऑफ सिक्सटी स्पीसीस सिक्सटी सिक्स स्पीसीज ऑफ द सी बर्ड जी क्योंकि जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर और ऑफ वाटर ऑफ अलास्का और वहाँ पे पानी ज़्यादा होगा जो उनको ब्रीडिंग में फीडिंग में और माइग्रेट करने में सिक्सटी सिक्स स्पीसीज की हेल्प करता है एट लीस्ट थर्टी एट स्पीसीज ऑफ सी बर्ड और फिफ्टी मिलियन इंडिविजुअल ब्रीड इन अलास्का थर्टी एट स्पीसीस जो है वहाँ पर फिफ्ट पचास मिलियन से ज़्यादा अकेले ब्रीड करती हैं एट अलास्कन स्पीसीज ब्रीड ओनली हेयर इन दर्जन साइबेरिया एट अलास्का स्पीसीज आठ दो अलास्का स्पीसीज हम ब्रीड करती कहाँ पर साइबेरिया में फाइव एडिशनल स्पीसीज रेंज थ्रो द नॉर्थ पैसिफिक बट द पॉपुलेशन आर कंसनट्रेटेड इन अलास्का फाइव एडिशनल किस में करती हैं नॉर्दर्न पैसिफिक में लेकिन सारी पॉपुलेशन कहाँ पर कंसनट्रेट हो जाती है इकट्ठी कहाँ होती है अलास्के के अंदर इन एडिशन ऑफ द ब्रीडिंग ग्राउंड अलास्का वाटर आल्सो प्रोवाइड इम्पोर्टेंट विंटरिंग हैबिट फॉर द बर्ड्स ये एंड ब्रीड इन कैनेडा एंड यूरेशिया ये वहाँ पर जो क्लाइमेट है वहाँ पर ठंडा होता है उसको बियर कर सक लेती हैं और वो ब्रीड कहाँ पर करती हैं कैनेडा में और यूरेशिया में उनकी विंटरिंग की हैबिट अच्छी होती है शेयर वाटर विच ब्रीड इन द साउदर्न हेमिसफेयर आर मोस्ट न्यूमेरियस स्पीसीज एंड लास्का वाटरिंग ड्यूरिंग द समर शेयर वाटर विच ब्रीड इन साउदर्न हेमस्फेयर जो uh, कहाँ पर ब्रीड करती हैं, ब्रीड का होता बच्चे पैदा करना ठीक है किसमें साउदर्न हेमिसफेयर में करती हैं जो मोस्ट न्यूमेरियस हैं किस दो केवल समर में ब्रीड करती हैं ठीक है तो वो दो स्टेटमेंट थी देखो हमने एक पैसेज रह गया तो एक पैसेज के लिए तो आगे के दो आंसर्स भी हैं ठीक है तो इलेवेंथ क्या था हैबिट ऑफ सीबर्ड इन लास्ट का सिमिलर टू दोज ऑफ नॉर्दर्न हैम ये पर स्टेटमेंट हमने कहीं पर रीड नहीं की तो इसका आंसर क्या बनेगा सिमिलर है या नहीं है गिवन नहीं है नॉट गिवन उसके बाद नंबर ऑफ सी वाटर इन साउदन हेमिसफेयर फीड यहाँ पर फीड दे रखा है और वहाँ ब्रीड दे रखा है ठीक है तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी नोट गिवन अब रह गए हमारे ट्वेल्थ एंड थर्टीन ट्वेल्थ क्या है स्टेटमेंट हैज थिंग्स दैट इट इज़ टू अर्ली टू डिटरमाइन ऑल प्रॉब्लम दैट आर कोज्ड बाय एलिनो हैच ने सोचा ये बहुत जल्दी है प्रॉब्लम को डिटरमाइन करना कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है एलनो की वजह से और नेक्स्ट क्या है बायर्ड एंड तो थिंक दैट हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉम कोज मोरालिटी फॉर चिक्स विच हैज़ ऑलरेडी बीन गिवन ए कन्वेंसिंग प्रूफ बायर्ड और तसैबा ने क्या सोचा जो हैवी रेनफॉल और तूफान है मीन्स भारी बारिश और तूफान क्या करते हैं मोरालिटी होता है आ, डेथ हो जाना किसकी चिक्स की जो कि एक प्रूफ है किसका कि ये डेथ किसकी वजह से हो रही है हैवी रेनफॉल और स्ट्रोम्स की वजह से तूफान की वजह से एक पैसेज रह गया उसको पूरे को रीड कर लेते हैं उसमें हमें आंसर में भी मिल जाना चाहिए दोनों क्वेश्चन का एज अनदर इंडिकेशन द फूड हैज़ बिन लिमिटिंग इन रिसेंट ईयर इंडिकेशन क्या शो कर रहे हैं कि फूड क्या है लिमिट है रिसेंट ईयर्स में सेवरल लार्ज स्पेसिस डाई सोर्स ऑफ सी क्योंकि लिमिट क्यों है क्योंकि आ, अधिकतर सी बर्ड्स क्या मर मर रहे हैं ठीक है मोस्टली सरफेस फीडिंग स्पीसीज जो अधिकतर जो सरफेस पर फीड करती हैं वो स्पीसीज हैव बीन ऑब्जर्व इन द गुल्फ अलास्का ड्यूरिंग लास्ट डिकेड पिछले मोस्ट नोटेबली बाय 1983 1989 एंड 1993 इस टाइम के दौरान लास्ट के दस सालों में ऑब्जर्व किया गया कि गुल्फ फिलस्फा के अंदर जो सरफेस पे फीड करती थी स्पीशीज वो क्या कर रही हैं डिक्रीज हो रही हैं बट हैच थिंक इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड दीज डाइस ऑफर रिपोर्ट आर सम हाउ कनेक्टेड विद द इफेक्ट ऑफ एलिनो बट हैच ने क्या कहा यह बहुत जल्दी है कि यह डिसाइड करना कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है एलिनो की वजह से हम इसको एलिनो के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी है तो एक स्टेटमेंट तो हमें मिल गई और उसका आंसर क्या होगा ट्रू ठीक है बट हैच वाली ठीक है तो ये हमारा किसका आंसर है ट्वेल्थ क्वेश्चन का उसके नेक्स्ट आगे रीड करते हैं बायरड एंड तो बिलीव दैट हाई रेनफॉल कैन अफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ चिक्स इन इथर्न बुरो एंड इंसीडेंट्स ऑफ बिग स्ट्रॉ विद हाई विंड ड्यूरिंग द चिक्स रियरिंग पीरियड कैन कॉज मोर्टैलिटी फॉर चिक्स ऑफ स्पीसीज नेस्टिंग एंड क्लिफ लेकेस। बैर तो बिलीव करते हैं विश्वास रखते हैं कि हैवी रेनफॉल से जो अर्थ के ऊपर गड्ढों में कौन रहते हैं चिक्स रहते हैं और तूफान की वजह से और हवा तेज की वजह से उस चिक्स का जो पीरियड है रेरिंग पीरियड जिस पीरियड के दौरान वो अपने घोंसलों में रहते हैं उससे मर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है बट बट ने स्टेटमेंट को क्या कर दिया जहाँ पर भी बट आ जाए वाइल आ जाए ओलदेव आ जाए ये सब आ जाए ना कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले सेंटेंस वहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाता अधिकतर तो यूवन है बट दिस व्यू हैज़ नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कन्वेंसिंग एविडेंस परंतु इसको एक कन्वेंसिंग एविडेंस नहीं माना कंसीडर किया गया तो वहाँ पे क्या स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि उसको कन्वेंसिंग प्रूफ एविडेंस कंसीडर किया गया यहाँ से हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कॉन्ट्राडिक्ट ठीक है तो ये आंसर हमारा थर्टीन है ये क्या होगा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो ये बन जाएगा फॉल्स तो देखो थर्ड ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है हमारा ट्रू एंड थर्टीन क्या है फॉल्स ये था हमारा होल पैसेज जो हमने वन टू थर्टीन सॉल्व किया है मुझे तो ज़्यादा टफ नहीं लगा आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए नाइस डे गुड नाइट स्टे ब्लेस्ट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल